हेलो स्टूडेंट, सेट के पिछले दो लेक्चर में हम लोग यह सीख चुके हैं कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हम लोगों ने यह देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। तो यह सब चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग अब सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स में किस तरह के ऑपरेशंस डिफाइंड है। तो देखिए, उसमें सबसे पहले नंबर आता है यूनियन का। तो हम लोग पहले सीखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो सेट का यूनियन जो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ए और यू का सिंबल ये बनता है बी, ए यूनियन बी। डिफाइन कैसे है कि देखिए, ए यूनियन बी एक सेट होता है जिसमें यक्स होते हैं। कैसे यक्स होते हैं? यक्स एलिमेंट ऑफ ए और यक्स एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या? ए यूनियन बी में वो एलिमेंट क्वालिफाई करेंगे जो ए में या बी में हो। मतलब क्या? कम से कम एक में हो। ए में है तो रख लेंगे, बी में है तो रख लेंगे, दोनों में है तो रख लेंगे। देखिए, यूनियन वर्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ जाने से ना। तो हम लोग जब दो सेट के एलिमेंट को मिला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट बी है 2 3 5। अब ए यूनियन बी में हमने इन दोनों के एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि 1 ए में है या बी में है, मतलब कम से कम एक में होना चाहिए। ऐसे 2 को लिखा गया, 3 और 5, मतलब इन दोनों सेट को मिलाने के बाद जो नया सेट बना वह ए यूनियन बी हुआ। यह आप बात ध्यान में रखेंगे कि ए यूनियन बी में क्वालिफाई करने के लिए यह जरूरी है कि वह एलिमेंट कम से कम एक में हो, मतलब ए में हो या बी में हो। देखिए, दोनों में भी हो सकता है तो वह क्वालिफाई करेगा। अब देखिए, यूनियन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। अगर किसी सेट के साथ उसी सेट का यूनियन लेते हैं, है ना, 1 2 3 है और इसका 1 2 3 के साथ यूनियन लेंगे, तो भाई दोनों को मिला देंगे तो फाइनली क्या आएगा? 1 2 3। मतलब क्या? किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है। हाँ, इस प्रॉपर्टी को जो है आइटम पोटेंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी सेट के साथ यूनियन ले एम्प्टी सेट का, जैसे ए 1 2 3 है और एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले। देखिए, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं ना, तो दोनों को मिलाएंगे भी तो क्या होगा? ए ही रहेगा। इसका मतलब है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ए के साथ यूनियन लेंगे यूनिवर्सल का तो यूनिवर्सल आएगा। देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि ए तो यूनिवर्सल का ही तो पार्ट है, यूनिवर्सल का ही तो सबसेट है। तो जब उसको अगर यूनिवर्सल के साथ एक एलिमेंट को मिलाएंगे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, यूनिवर्सल ही आएगा। तो इसका मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल बराबर यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं, देखिए, ए यूनियन बी है और यह ए और बी को मिलाने से बना है। तो इसका मतलब है कि ए को यह कंटेन किया होगा, एक एलिमेंट को। तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी अगर यहाँ पर यह है तो ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा, वैसे बी भी जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या? ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब जो कंपोनेंट सेट हैं वह ए यूनियन बी के सबसेट्स होंगे। अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में है, कोई एलिमेंट एक्स अगर ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब है एक्स ए में होगा और बी में होगा। मतलब अगर ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट क्वालिफाई कर पाया है, इसका मतलब है कि वह पहले सेट में होगा या दूसरे सेट में होगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई एक्स जो है डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कोई एक्स ए यूनियन बी में क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि वह ए में भी नहीं था एंड बी में भी नहीं था। मतलब क्या? यह कंपल्सरी है कि वह ए में भी नहीं था एंड बी में भी नहीं था। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में क्वालिफाई नहीं कर पाया है, इसका मतलब है कि वह ए में नहीं था एंड वह बी में भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 7 क्यों नहीं है यूनियन बी में है, तो आप क्या कहेंगे? 7 ए में भी नहीं था एंड 7 बी में भी नहीं था। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अगली बात क्या है, आप ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, देखेंगे कि फाइनली आएगा तो वही एलिमेंट ना, क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं। और अगर आप बी यूनियन ए निकालते हैं तो भी तो आप वही करेंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कमयुटेटिव लॉ। अब देखिए, तीन सेट्स हैं, अगर यूनियन निकालना है तो आप दो का निकाल लीजिए, फिर तीसरे का निकाल लीजिए, या पहले का छोड़े रहिए, बाकी दो का निकाल लीजिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब आगे देखते हैं, देखिए, अगर ए बी का सबसेट है, ए क्या है? बी का सबसेट है,
तो ए यूनियन बी जो है वह बी के बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि ए बी का पार्ट ही है ना, जब दोनों को मिलाएंगे तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेट हमने ए लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 1 2, अनदर सेट हम बी लिख रहे हैं जहाँ पे हमने लिखा 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए सबसेट है ना बी का। अब इसका यूनियन निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए, देखिए क्या होता है। दोनों के एलिमेंट को लिखिए, 1 2 1 2 आ गया, 3 लिख दिए, तो फाइनली देखिए क्या आ रहा है, यह बी ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी जो है वह बी के इक्वल होगा। देखिए जो ये फैक्ट्स हमने लिखे हैं, अब ये जो फैक्ट्स लिखे हैं इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तब। तो अगर यूनियन आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, है ना भाई। वो डेफिनेशन तो ठीक है कि ए यूनियन बी क्या होता है, लेकिन ए यूनियन बी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी क्लियरिटी हम लोगों के पास होनी चाहिए। तो हमने बताया कि ए यूनियन बी क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे या इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको यूज में लाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, तो लिखा गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखिए दो सेट ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन होता है वह इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है उल्टा यू की तरह है, डिफाइन कैसे है? तो देखिए दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वह एक सेट होता है। अब इसमें यक्स होते हैं, कैसे यक्स होते हैं, यक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट क्वालिफाई करेंगे जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे। कहने का मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। डेफिनेशन देखते हैं, तो हम लोग डेफिनेशन देख पाए यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए में 1 2 3 है, दूसरा सेट बी है 2 3 5 है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखिए सिंबल के फॉर्म में क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम लोग वह एलिमेंट लेंगे जो दोनों में है, तो क्या 1 दोनों में है? नहीं, तो क्वालिफाई नहीं किया ना। 2 दोनों में है क्वालिफाई किया। 3 दोनों सेट में है क्वालिफाई किया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, 2 3, मतलब वह एलिमेंट जो ए में भी थे एंड बी में भी थे, ठीक है। तो यह इंटरसेक्शन होता है दो सेट का, आप इसको समझ गए। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स हैं जिनको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आएगा, है ना। या आप समझ रहे हैं, देखिए अगर हम इसको और इसी के साथ देखें तो क्या कॉमन होगा, ये पूरा ए ही कॉमन होगा ना। तो दो सेट अगर हैं खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन हो रहा है, इन दोनों सेट क्या है, सेम है, तो वह ए के इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं आइडम पोटेंट लॉ। अब देखिए ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल का। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए यूनिवर्सल तो जो है वह लार्जेस्ट सेट है ना भाई, 1 2 3 4 मान लीजिए यह एक यूनिवर्सल सेट है और ए जो है इसी का पार्ट होगा क्योंकि यह तो यूनिवर्सल है इसके लिए। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कॉमन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए का ही एलिमेंट कॉमन आएगा, मतलब फाइनली क्या, ए। इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल बराबर ए, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन फाई का लेंगे तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए? नहीं, ए नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए के साथ यूनियन लेंगे फाई का तो ए आएगा, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन फाई का लेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वह अपने कंपोनेंट सेट का सबसेट है। देखिए ए बी के कॉमन एलिमेंट इसमें है ना, तो आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए से ही तो बना है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, और साथ में ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी अपने कंपोनेंट सेट्स के सबसेट्स होते हैं। अब एक फैक्ट देखते हैं, देखिए अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में क्वालिफाई कर गया है तो इसका मतलब यह तय है कि वह ए में होगा एंड बी में होगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब है कि वह ए में भी है एंड बी में भी है। और देखिए अगर कोई यक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं क्वालिफाई कर गया है, कर पाया है, तो इसका मतलब है कि वह ए में नहीं रहा होगा या आर बी में नहीं रहा होगा, मतलब कम से कम एक में नहीं रहा होगा, ए में या फिर बी में। अब देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं
आप बी इंटरसेक्शन ही लिखिए, देखेंगे क्या दोनों एक ही बात है ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के एलिमेंट, और बी इंटरसेक्शन ए मतलब दोनों के एलिमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कमोटेटिव लॉ। ठीक है, अगर तीन सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो दो का निकालिए फिर तीसरे के साथ निकालिए, या एक को छोड़ रहिए बाकी दो का निकाल के फिर निकालिए, फाइनली यह सेम आएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वह ए आएगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए, एक सेट हमने ए लिखा 1 2 और बी लिखा है 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही आएगा ना, 1 2, मतलब कितना आएगा ए। क्यों क्यों भाई क्यों, इसलिए कि ए तो बी का ही पार्ट है ना, तो जब दोनों में कॉमन लेंगे तो पूरा ए आ जाएगा। इसका मतलब ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब यह हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के इक्वल आएगा। ठीक है, और देखिए एक छोटी सी बात और देखते हैं कि अगर दो सेट ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब दो ऐसे सेट हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इन दोनों सेट को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखें कि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं, और उसके साथ इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जिसको हम लोग यहाँ पर देखें। देखिए जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यह समझने के टर्म्स हैं, इसका नहीं कि इसको हम लोग लर्न कर लेंगे तो काम हो जाएगा, और ये जो फैक्ट है वो समझने की बात है। अगर आप देख रहे होंगे तो एक एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, और जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर यह फैक्ट की क्लियरिटी है तो उसको बहुत सही ढंग से हम लोग वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर। हम लोग सीखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो देखते हैं डेफिनेशन। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, तो दो सेट के डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, और डिफाइन कैसे है, ए माइनस बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या, ए माइनस बी में वही एलिमेंट क्वालिफाई करेंगे जो ए में होंगे एंड बी में नहीं होंगे, तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे ए माइनस बी। अब एग्जांपल से देखते हैं, तो देखिए एक सेट ए है ना 1 2 3 है, दूसरा सेट 2 3 4 है ना, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो देखिए 1 ए में है एंड बी में नहीं है ना, तो 1। 2 3 क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि ए में है एंड साथ में बी में भी है, जरूरी क्या है कि ए में है एंड बी में नहीं है, ऐसा देखना था, तो इसका मतलब है कि यह ए माइनस बी सेट में 1 आ गया। अगर इसी वे में हम लोग बी माइनस ए की बात करेंगे, इसका मतलब बी में है एंड ए में नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसका मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब देखिए कुछ बातें जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, कि देख रहे हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, मतलब a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब यह कमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, a माइनस फाइव, तो आप देख रहे हैं a आएगा ना, क्योंकि a के सभी एलिमेंट फाइव में नहीं है ना, तो a माइनस फाइव इज इक्वल टू a, ये दो फैक्ट थे जो हम लोग देखे। अब देखिए अगली डेफिनेशन को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पर कहा गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश आर ए और यह सी, ऐसे सिंबल बनाते हैं, मतलब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइंड है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, तो अगर यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देते हैं तो जो सेट आता है उसको कहते हैं हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 और एक सेट है 1 2 3, हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यू में से ए को माइनस करना है, इसका मतलब यू के वह एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि यू का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, 4 5 एंड 6, तो यह हो गया क्या ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब क्या यू माइनस ए। अब कुछ फैक्ट देखते हैं, देखिए किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आएगा, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे या आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है,
देखिए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाइव आएगा, क्यों भाई? क्योंकि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, तो फाइव है ना। वैसे ही फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई यक्स ए में है तो इसका मतलब वह ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर यक्स ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक बात है। और वैसे यह भी कह सकते हैं अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं है ना, यह ए है और यह ए कॉम्प्लीमेंट है, जो एलिमेंट ए में है वह ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, या कह सकते जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वह ए में नहीं है। एक बात देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर अगर आप दोनों का यूनियन ले लेंगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा, मतलब ए में ए कॉम्प्लीमेंट को मिला देंगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा। इसी वे में इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि ए को ए डैश कंप्लीट करता है, अगर यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। और यह भी देख रहे हैं कि ए और ए डैश में मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग यह देखें कि दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, और साथ में इसी से रिलेटेड एक टर्म देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हम लोग देखेंगे दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दो सेट ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, ठीक है। और डिफाइन कैसे है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 है, दूसरा सेट बी है जिसमें हमने लिखा 2, 3, 4 लिखा, ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा भाई, ए के एलिमेंट जो बी में ना हो ना तो ये 1 आ जाएगा। अब ऐसे आप बी माइनस ए निकालेंगे 4 आ जाएगा। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या बताया गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो कितना आ गया 1, 4, तो यह हो गया ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ये ध्यान देंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है कि एक सेट और इस सेट में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ओनली ए में होंगे और ओनली बी में होंगे, मतलब एक में होने चाहिए, ए में हो, केवल ए में हो या फिर केवल बी में हो, तो इसको हम लोग कहेंगे दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। आप ये ऑब्जर्व भी कर पाएंगे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ठीक है। अब हम लोग एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वह दो डिफरेंट ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत से ऑपरेशन इसको होल्ड करते हैं, बहुत से होल्ड नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच का सिंबल ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वैसे देखिए यह जो प्रॉपर्टी है दूसरी, यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या लिखेंगे ए यूनियन बी, बीच का सिंबल मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यह जो दो प्रॉपर्टी हैं इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बेसिकली हम लोग ऑपरेशंस के बारे में जाने कि दो सेट का यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जाने। ये जो टर्म्स हम लोगों ने सीखा इसके साथ बहुत से फैक्ट भी देखे, उसको ऑब्जर्व किया। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट के सबसे क्वालिटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे वह अगले लेक्चर में करेंगे। देखिए सेट एक ऐसा टर्म है जहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो जो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको लगाने में बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत आसान भी हो जाएगा। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।